एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हमारी सेकंड बुक का चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। जो हमारी फर्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने वाले हैं, वो उसका लास्ट चैप्टर है। तो दोनों ही चैप्टर पढ़ने, ये नहीं करना कि एक पढ़ लेना। तो मैंने सारा सिलेबस पढ़ा दिया, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द इंटरनेशनल ट्रेड। और आज हम इंडियन पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी करने वाले हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? जब एक से दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कह रहे हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ आपस में जो है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करें, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। तो नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, कोई भी कंट्री ना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। अगर हमारे पास देखो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो, और हमारे पास ऑयल रिसोर्सेज भी है, बट इतनी तो नहीं है ना कि सब कुछ कवर हो जाए हमारी पॉपुलेशन का। हम ऑयल जो है इंपोर्ट कराते हैं, वी आर अ ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। एम्यूनिशन डिफेंस का हो जाता है, वो भी हम इंपोर्ट कराते हैं। कुछ कंट्रीज़ के पास जैसे जापान का आप पढ़ोगे, जापान पे तो बहुत कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके, वो तो सब कुछ ज़्यादातर इंपोर्ट कराता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पानी ही नहीं है तो तेल है, तेल है तो आप कहो कि वो, अगर तेल नहीं है तो आप कहो कि उसे इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। कहीं पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं हो सकता है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। वी हैव टू रिलाई ऑन ट्रेड, हमें दूसरों से वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड से वो चीज़ों का हमें खरीदना होगा। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए, जो हम खरीद के अपने इंडस्ट्रीज लगाएं, ठीक है, तो रहते थे ऐसे, मतलब पुराने ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा। तो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो चेंज हुआ है दिन पर दिन हमारे आते समय के अंदर। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में वो देखो सिर्फ 1% है अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है, यानी कि बाहरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है, वो अब इंक्रीज हुआ है 1,214 करोड़ जो 1950 और 51 में था, उससे ये हो चुका है अब देखो कितना ज़्यादा, 19,796 हो चुका है। अब इतना सारा ट्रेड कैसे इंक्रीज हुआ, क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे ट्रेड इंक्रीज होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइड इन द जो है ट्रेड क्या होता है, ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब हमने अपनी जो है इंडस्ट्रीज लगाई, हमारे यहाँ ग्रोथ बढ़ी, तो लिबरल गवर्नमेंट की पॉलिसी जब लिबरल हुई, फ्री हुई, गवर्नमेंट ने अलाउ करा, हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, तब हुआ। हमारी कंट्री में पहले LPG नहीं था, हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म लगा के LPG लाया और तब हमने बाहरी कंट्रियों के साथ ट्रेडिंग शुरू करे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स जब हुआ हमारा, डिफरेंट चीज़ें प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट्स में जब आने लग गए, इम्पोर्ट्स कंसिस्टेंटली एक्सीड एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू। अब हमारी कंट्री में हम इम्पोर्ट ज़्यादा कराते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीज इन बोथ। इंक्रीज तो दोनों में ही हुआ है बट हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को 2022-23 का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का दिखा रखा है। तो क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या दिख रहा है आपको? तो आप यू कैन से प्रेजेंटली आप देख सकते हो जो हमारा ये सर्कल वाला है वो एक्सपोर्ट है, जो हमारा जो है स्क्वायर है वो इम्पोर्ट है। तो इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, तो वो कितनी लगभग बढ़ा है, ये भी आपको 2010-11 का दे रखा है, ठीक है। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट भी यहाँ पे गिवन है, कैसा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेजर चीज़ें जो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्ट, ओर और मिनरल को, मैन्युफैक्चर गुड को भी करते हैं, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी करते हैं और अदर कमोडिटीज़ को भी। तो उनका बता रखा है कौन सा किसका क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या कम हुआ, ठीक है, इन दिस टेबल। नाउ चेंजेस इन द इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पोजिशन, ये आता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी इन इंडिया से इंटरनेशनल चेंज जो है वो चेंज हुई है, यानी कि जो चीज़ें हम ट्रेड करते हैं वो लगभग हमारी चेंज होती रही, बट इसमें एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो अब धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, यानी कि पहले हम एग्रीकल्चर की चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, अब वो कम हुआ है, ठीक है। शेयर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद अदर कमोडिटीज़ हैज़ इंक्रीज। तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है हमने उसे इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज आपको दिख जाएगा। क्रूड पेट्रोलियम 11.9, 11.7, 9.2, 16.4 हमने एक्सपोर्ट करा, बढ़ गया ना, ये देखो। अब मैन्युफैक्चर गुड्स तो डिक्रीज हुए हैं, अदर कमोडिटीज़ बढ़ी हैं, ठीक है, और ये देखो आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट कम हुआ है हमारा। तो ये आपको यहाँ पे यही चीज़ गिवन है। शेयर ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स हैज़ रिमेन्ड लार्जली कॉन्स्टेंट। ओर्स और मिनरल का कहाँ गिवन है, लोड होने दो इसको हमारे, तो ओर और मिनरल का कॉन्स्टेंट रहा है, 1.6, 1.9, 3.2, 2.0, तो कॉन्स्टेंट ही रहा है। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट इज प्राइमरी ड्यू टू टफ इंटरनेशनल जो है कंपटीशन। तो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स कम क्यों हुए, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन हो चुका है मार्केट के अंदर, इस वजह से ये जो है हो रहा है, ठीक है।
और ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स क्या हुए जो प्राइमरी गुड्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट क्या होने होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हो गए ना, वो हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे काजू कैशू जो होता है हमारा वो डिक्रीज़ हुआ है, वाइल्ड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फ्रेश फूड और हो गया मरीन प्रोडक्ट्स एंड शुगर, इसमें इंक्रीज़ आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम बात करें अकाउंट फॉर 67.8% हमारे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का, तो जो फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर करके जो हम भेज रहे हैं वो हमारा 67.8% टोटल एक्सपोर्ट का बना लेता है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमने देखी है इंजीनियर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट के अंदर। मेजर कॉम्पिटिटर्स हमारे इस सेक्टर में है चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज को भी हम जो है फॉरेन ट्रेड में जो है करते हैं, ठीक है। चलो एक्सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज, कौन कौन सी कमोडिटीज हम यूजुअली एक्सपोर्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ओर मिनरल्स, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड मिनरल फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ लिया आपने, देखते रहो इनको। चलो आप बेस्ड ऑन टेबल 8.5 फ्यू एक्टिविटीज़ में भी अंडरटेकन, तो अभी चलो इसको तो आप लीव करो, अब यहाँ पढ़ते हैं। अब हम इंडिया का कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट पहले देख लो, इम्पोर्ट हम क्या कराते हैं, तो देखो हम इम्पोर्ट फूड प्रोडक्ट्स भी कुछ कराते हैं, फूड और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स, बस इसका स्केल कम हुआ है। फ्यूल जो कोल है हमारा वो तो हम कराते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब हम कराते हैं, इसका जो है इंक्रीज़ हुआ है। फर्टिलाइज़र कॉन्स्टेंट ही आप कह सकते हो, पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूज़ प्रिंट आप कह सकते हो, इसका भी कांस्टेंट ही रहा है लगभग। कैपिटल गुड्स हमारे डिक्रीज में गए हैं, अदर्स की अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट रहा है। तो चलो देखते हैं इंपोर्ट का क्या सीन रहा है, हमारे क्या क्या प्रिंसिपल कमोडिटीज़ है जो हम इंपोर्ट कराते हैं। फर्टिलाइज़र एंड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हम इंपोर्ट कराते हैं, यानी बाहर के देश से खरीदते हैं। एडिबल ऑयल हम खरीदते हैं, पल्प एंड वेस्ट पेपर हम खरीदते हैं, नॉन फेरस मेटल हम खरीदते हैं, आयरन एंड स्टील हम खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे को खुद बनाना नहीं आता इसलिए खरीदते हैं सब चीज़ें, कोई चीज़ ऐसा हो कि दूसरी कंट्री से बनी बनाई सस्ती पड़े तो भी खरीदी जाती है। पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स खरीदा जाता है, पर्ल प्रेशियस मेटल ये सब भी खरीदा जाता है, मेडिसिनल फार्मा प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट कराए जाते हैं मतलब, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंडिया इम्पोर्ट ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप मानो कि सबसे ज़्यादा हमारा यूरोप के साथ है, फिर अफ्रीका के साथ है, फिर नॉर्थ अमेरिका के साथ है, फिर लैटिन अमेरिका, फिर एशिया और एशियान के साथ है, ठीक है। चलो अब चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द इंडियाज इम्पोर्ट, तो अब यही सब जो मैंने आपको मैप में इतनी इजीली बता दिया है वही अब आपको डिटेल में पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ना है, तो चलो पढ़ते हैं। तो फूड शॉर्टेजेस हमारी कंट्री ने फेस करी थी फ्रॉम 1950s टू 60s, जब हमारे यहाँ ड्रॉट आई थी एंड हमारे यहाँ पे फूड सफिशिएंसी नहीं थी, इससे हमने बहुत सारे इम्पोर्ट कराया था फूड ग्रेन को, कैपिटल गुड को, मशीनरी को और इक्विपमेंट को भी। तो इस समय भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल चला हो गया था, क्योंकि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बीओपी में मैंने आपको फर्स्ट बुक में बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें सब कुछ उसमें लिखते हैं हम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो इट इज अ बैड थिंग। इंपोर्ट के लिए क्या होगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसे नहीं करते फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है यानी कि डॉलर्स, और एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज को आप कमाओगे, तो खर्चा ज़्यादा होगा ज़्यादा अच्छा है या कमाई होगी, तो कमाई होगी तो अच्छा है ना, तो इम्पोर्ट होता है तो खर्चा होता है, तो अगर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे दैट मीन्स ये अच्छी बात नहीं है, अनफेवरेबल है ये ड्यू टू हाई इम्पोर्ट्स देन एक्सपोर्ट डिस्पाइट एफर्ट्स एट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। और ऐसा नहीं था इस समय पर हमने कोशिश नहीं करी कि हम इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करें, कि इम्पोर्टेड चीज़ें ना मंगाए, अपनी खुद की इंडस्ट्री में बनाए, हमने करी थी कोशिश बट फिर भी वो अटैम्प्ट फेल हुआ क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉट आया, सूखा आया इस वजह से, ठीक है। चलो अब आता है शिफ्ट इन इम्पोर्ट कॉम्पोजिशन 1970s से। तो जब हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लगता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा फूड ग्रेन में सफिशेंसी आ जाती है, उसके बाद में 1973 में एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए थे, इससे हमें हाइयर इम्पोर्ट कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, तो तेल की कीमतें बढ़ गई थी, वॉर भी हुए थे उधर वहाँ पे अरब वर्ल्ड के अंदर भी, और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, सोवियत यूनियन भी अटैक कर रहा था उसको, इन्वेड कर रहा था अफगानिस्तान को, वेरियस रीजंस हुए थे उसकी वजह से ना तेल की कीमतें बढ़ गई थी, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हमें तेल की कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ, वही इंपोर्ट्स नहीं बढ़े हमारे तेल के, वही इंपोर्ट कराने के लिए उस तेल को आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। फूड ग्रेन्स इंपोर्ट्स व फर्टिलाइजर से रिप्लेस और कर लिया गया था, फूड ग्रेन तो इंपोर्ट नहीं करा रहे थे, खुद बना रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो उसका फर्टिलाइजर इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है जी। चलो अब अगला आते हैं मेजर इंपोर्ट्स आज के समय की बात करते हैं प्रेजेंटली, तो मशीनरी कराते हैं जो मैंने आपको कहा था, इक्विपमेंट कराते हैं, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स,
मोबाइल फ़ोन भी बहुत कराते हैं, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ नोटेबल राइज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंक्रीज हुए हैं, जैसे फ्यूल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड। ट्रेंड इन कैपिटल गुड एंड फूड इम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड डिक्लाइन हुआ है एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स भी हमारा डिक्लाइन हुआ है। कैपिटल गुड्स मतलब अब हम खुद बना रहे हैं ये गुड्स को। नाउ मेजर इम्पोर्ट्स हमारे और कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हम खरीदते हैं बाकी देशों से? पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं ना, मतलब और मतलब गोल्ड, सिल्वर और नॉन जो है मेटल जो होते हैं हमारे, जैसे कि जो हमारे वो होते हैं ना फेरस मेटल, फेरस मिनरल, देखो यहाँ मेटल लिख दिया फेरस मिनरल की जगह, तो फेरस मिनरल हम इंपोर्ट कराते हैं और नॉन मेटल्स भी, ठीक है। डिटेल डेटा हमारे को गिवन है, वो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मतलब कि कैसा हमारा ट्रेड रहा, कौन सी कंट्रीज़ के साथ में रहा, कौन सी कंट्रीज़ के साथ में रिड्यूस हुआ, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी का आपको कि ज़्यादा किसके साथ है, बटअप पढ़ते हैं। तो इंडिया का ट्रेड रिलेशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ रहा है, ऐसा नहीं हम कोई भैया एक ही कंट्री के साथ कर रहे हैं। रीजन वाइज, सब रीजन वाइज अगर हम देखें तो इंडिया का 2021-22 का डिटेल्ड यहाँ चार्ट ये मैंने मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये वाला, ठीक है। इट एम्स टू डबल इट्स शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। हमने कोशिश करी है कि इसको डबल कर देंगे, यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ है, लैटिन अमेरिका, सबको बढ़ा देंगे और ट्रेड करेंगे हम इनके साथ में। अब वो ट्रेड में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो तो अच्छा है भाई, ठीक है। इनिशिएटिव्स इंक्लूड इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन करेंगे यानी कि इम्पोर्ट्स को हम होने देंगे अपनी कंट्री में, रिडक्शन करेंगे हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में यानी कि ज़्यादा इम्पोर्ट्स कराएंगे, ड्यूटीज़ ज़्यादा नहीं होंगी तो इम्पोर्ट्स आराम से हो जाएंगे, डी लाइसेंसिंग करेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट्स करेंगे हम, ठीक है। और द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ फॉरन ट्रेड इज़ कंडक्टेड वे सी एंड एयर रूट्स, तो हम उनको भी अच्छा डेवलप करेंगे। स्मॉलर पोर्शन ऑफ ट्रेड हमारा होता है नेबरिंग कंट्री भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के साथ में भी, ओके। तो अभी आते हैं हम, जब हमारी बात ही हो गई है कि जब हमें ट्रेड करना है तो हमें सी पोर्ट्स की ज़रूरत है, तो अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ गेटवेज टू इंटरनेशनल ट्रेड, सी पोर्ट्स। अगर आपको यहाँ यूरोप से ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप कैसे जा रहा है, उड़ के जा रहा है सामान, उड़ के जाएगा तो बहुत महंगा होगा भाई एरोप्लेन में, कैसे जाते हैं, समुद्र में जाता है, तो वो समुद्री यात्रा पे जाती है हमारे जितने भी गुड्स हैं, जाती भी हैं आती भी वहीं से हैं। तो देर आर मेनी पोर्ट्स हमारे कंट्री के अंदर जो फंक्शनल है, बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मैंने उसको अलग स्लाइड पे बना रखा है, सब कुछ है लर्निंग मटेरियल ही, बट उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, क्योंकि हम तीनों साइड से कोस्ट लाइन जो है हमारे पास है, चाहे वो हमारा साउथ में यहाँ पे देखो आप अरेबियन सी देखो, बे ऑफ बंगाल देखो, इंडियन ओशन देखो, वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अराउंड अस, ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आज से ही नहीं, हमारे यहाँ हिस्टोरिकली इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट के थ्रू हुआ है। करंट पोर्ट स्ट्रक्चर अगर हम इंडिया का देखें तो 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 माइनर पोर्ट है और इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी हमारे पास है। मेजर पोर्ट्स जो है वो रेगुलेट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल माइनर पोर्ट्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। मेजर पोर्ट्स हैंडल अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल ट्रेड ट्रैफिक, तो जितना भी बड़ा बड़ा शेयर होता है वो मेजर पोर्ट्स ही देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन अगर हम देखें तो पोर्ट्स वर यूटिलाइज टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को लूट रहे थे, बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये हमारी कंट्री से मिनरल्स दे पड़ा ना भी, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सब कुछ हमारे से लूट लूट के हमारा रॉ मटेरियल ये ले जाते थे ब्रिटेन, वहाँ फैक्ट्री में बनवा के फिर वहाँ से फाइनल गुड़ यहाँ ला के बेचते थे। तो ये पोर्ट्स का बहुत ही हैवी वे में यूज़ करते थे, रेलवेज से लेके पोर्ट तक इन्होंने भारी कनेक्शन बना रखा था, फिर लोकल मार्केट तक, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे ही हमारे को जो है इंडिपेंडेंस मिलती है तभी हमारा पार्टीशन हो जाता है, इससे हमारे की पोर्ट्स जो कराची और चित्तागोंग थे वो हमारे से लूज़ हो जाते हैं, और फिर हम जो है दो नए पोर्ट बना लेते हैं उसे कंपनसेट करने के लिए, कांडला पोर्ट एंड डायमंड हार्बर जो है हमने डेवलप करा। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो डिस्पाइट सेटबैक्स इंडियन पोर्ट ने हमेशा हमारे को ग्रो करा है, बहुत बड़े बड़े वो जो है ट्रेड वॉल्यूम्स को जो है मैनेज कर रहे हैं। मोस्ट पोर्ट्स के पास अब एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ रहा है। इनिशियली गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल थी पोर्ट डेवलपमेंट में, बट अब जब से हम प्राइवेटाइजेशन भी परफॉर्म कर चुके हैं तो अब हम
पोर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को भी दे रहे हैं, वो उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बना रहे हैं। कैपेसिटी एंड की पोर्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट इंक्रीज हुई है 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो से हैंडलिंग जो थी 1951 से 837 मिलियन टन ऑफ हैंडलिंग इन 2016। मेजर पोर्ट्स अब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, नाउ आई विल जस्ट रीड सम ऑफ देम क्योंकि मेरे को रीडिंग करके बताना होगा, ये आपको सब लर्न करनी है। पोर्ट्स, दीनदयाल पोर्ट वी ऑल्सो नोन एज द कांडला पोर्ट, तो ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ये डेवलप हुआ था वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है ना और की जो है इस वाले एरिया के अंदर, और ये मुंबई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए जो है हुआ था, ठीक है। डिजाइन फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर जो है। फीचर्स क्या है इसके, ऑफशोर टर्मिनल एट वादिनर टू एलिवेट प्रेशर, तो इसके अभी एक टर्मिनल बन रखा है आगे टू एलिवेट द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, एक नेचुरल हार्बर है ये, पोजिशन नियर मेजर ट्रेड रूट फ्रॉम द मिडल ईस्ट, मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, बहुत ही बड़े लोकेशन पे। 20 किलोमीटर इन लेंथ है, 6 से 10 किलोमीटर विड्थ है, विद 54 बर्थ्स एंड द लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल इन द कंट्री, ठीक है। हिंटरलैंड क्या है इसके आसपास के एरिया जिसको भी ये बहुत ज़्यादा उनका भी जो गुड सर्विस है फिर वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होंगे। हिंटरलैंड मतलब आसपास के एरिया जो सपोर्ट करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, ठीक है, इसके हिंटरलैंड में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा शेवा इसको आप कह सकते हो, डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट पर बहुत प्रेशर हो रहा था तो इसलिए बना था। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये इंडिया का। मारमगाओ पोर्ट, ये सिचुएटेड है एट द एंट्रेंस ऑफ जोरी स्ट्रेट इन द गोवा, ठीक है, मैंने गलत प्रोनाउंस करा हो तो सॉरी। गेट इंपॉर्टेंस पोस्ट रीमॉडलिंग इन 1961 फॉर हैंडलिंग आयरन ओर एक्सपोर्ट्स टू जापान, जापान में आयरन ओर एक्सपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए बना था। कोंकण रेलवेज बनने के बाद में इसका हिंटरलैंड इंक्रीज हो गया जिसमें कर्नाटका, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र भी आता है। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड आयरन कॉन्सेंट्रेट्स करता है, वेरियस अदर कमोडिटीज को भी हैंडल करता है जैसे फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन एक्सेट्रा, ठीक है। कर्नाटका सर्व एज अ मेजर हिंटरलैंड फॉर दिस पोर्ट, ठीक है। अब की पोर्ट्स इंडिया आगे कंटिन्यू करते हैं। कोची का पोर्ट, ठीक है, एट द हेड ऑफ वेमबंड कयाल नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, लोकेशन है इसके। एडवांटेज क्या है, क्लोज टू स्विस कोलंबो रूट, ठीक है, केरला, सदर्न कर्नाटका एंड सदर्न वेस्टर्न तमिलनाडु इसकी सर्व्स हैं। कोलकाता पोर्ट की बात करो तो ऑन द हुगली रिवर पे है ये, रिवर पोर्ट है हमारा, 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। हिस्ट्री अगर इसे देखे जाए तो डेवलप करा था ब्रिटिशर्स ने एंड बेनिफिटेड फ्रॉम बीइंग कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस कम हो गए क्योंकि अब इसका जो वो था एक्सपोर्ट हमें करना था यहाँ से वो अब ट्रांसफ़र हो गया विशाखापट्टनम प्रदीप एंड हल्दिया पोर्ट की तरफ। प्रॉब्लम क्या है, सिल्ट एक्यूमुलेशन हो गया हुगली रिवर में तो इतना फंक्शनल में प्रॉब्लम आती है। हिंटरलैंड इसके कौन कौन से आसपास के एरिया जहाँ इनको ये सपोर्ट करेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर नेपाल एंड भूटान, क्योंकि नेपाल और भूटान दोनों ही आप कह सकते हो कि लैंडलॉक कंट्रीज़ है तो ये पोर्ट उनके भी हिंटरलैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें तो 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट। बल्क कार्गो जैसे आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, जूट एंड कॉटन प्रोडक्ट्स को इसमें जो है हैंडल करता है ये। प्रदीप पोर्ट की अगर हम बात करें, प्रदीप पोर्ट, ठीक है, तो ये महानंदी डेल्टा में 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक, डीपेस्ट हार्बर है इंडिया का, वन मार्कर में आएगा, सूट्स वेरी लार्ज वेसल, जो बड़े बड़े वेसल होते हैं ना वो इसमें आ सकते हैं। मेनली डेवलप है ये बड़े बड़े आयरन ओर के जो है एक्सपोर्ट के लिए, इंक्लूड्स ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इसके हिंटरलैंड में आते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट लैंड लॉक हार्बर है ये आंध्र प्रदेश का, कनेक्टेड टू द सी बाय अ चैनल थ्रू अ रॉक एंड सैंड, तो लैंड लॉक है, एक चैनल निकलता है उससे ये जो है कनेक्ट होता है। आउटर हार्बर फॉर हैंडलिंग आयरन ओर, पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो भी है, प्राइमरी सर्व आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। चेन्नई पोर्ट लोकेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का, आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ड हुआ था ये 1859 में, नॉट आइडल फॉर लार्ज शिप, शैलो कोस्टल वाटर ही है इसके अंदर तो ये लार्ज शिप यहाँ नहीं जा सकते। तमिलनाडु और पुडुचेरी को सर्व करता है। एन्नोर पोर्ट डेवलप 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था चेन्नई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए। ट्यूटिकोरन पोर्ट की अगर हम बात करें, ट्यूटिकोरन पोर्ट तो ये डेवलप हुआ था वही चेन्नई पोर्ट पे कंजेशन
प्रेशर कम करने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है काम ना हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ना पड़ जाए, तो उनको हमने नए नए पोर्ट्स बना दिए। ये वैरायटी ऑफ गुड्स हैंडल करता है कोल, सॉल्ट, फूल ग्रेड एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ अब पोर्ट खत्म, अब आते हैं हम रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। तो एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ कैरियर है, सबसे जल्दी पहुंचाएगा सामान को, हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पहुंचाना हो तो ये काम करता है। डिसएडवांटेज, बहुत महंगा है, अनसूटेबल है, हैवी, बल्कि भाई आयरन ओर थोड़ी तुम ऊपर से हवा में पहुंचा दोगे तो बहुत जो है ये अनसूटेबल है, हैवी बल्कि कमोडिटीज़ के लिए। लोअर पार्टिसिपेशन है इसका इंटरनेशनल ट्रेड में कंपेयर टू ओशन रूट्स। ओके जी, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नहीं यही टॉपिक है, मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया एज पर 2016-17 अगर हम देखें तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, ये अब आपको मैप पे आएगा, इसलिए मैं इसे कुछ डिटेल में बता नहीं रही हूँ, मैप वर्क में भी कराऊंगी, सब याद रखना आपको। ये कोई भी आ जाएगा, आपको एक ए बी मांग करके आ जाएगा और बताओ ऑप्शन में दिया होगा मेजर जो है एयरपोर्ट, तो फिर बी पे अगर वहाँ दिल्ली पे मार्क रखा है तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा, अच्छा हाँ दिल्ली में भी एयरपोर्ट है, इस टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलीकट, नागपुर, ठीक है, कोयंबटूर, कोचिन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नौर, ठीक है, तो ये सब हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, 25 के 25 याद कर लेना, और ऐसा रट्टाफिकेशन मत करो, समझो दो चार बार देखो समझ आ जाएगा, ठीक है, मैप पे देखो, लोकेशंस देखो इनकी। अब उड़ान स्कीम जो हमने पहले भी पढ़ी है, दोबारा पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम क्यों बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जिससे हम जो है ना, मतलब कि हमारी कंट्री का हर इंसान आम नागरिक भी एयर ट्रैवल अफोर्ड कर पाए, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो कंट्री के अंदर ही, चाहे शॉर्ट टाइम के अंदर ज़रूरी है, तो वो अफोर्डेबल रेट पे एयर टिकटें बुक करा के जो है उसको फैसिलिटी को यूज़ कर पाए, ठीक है। तो दिस स्कीम हैज़ ऑपरेशनलाइज 73 अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 9 हेलीपोर्टर्स हेलीपोर्ट एंड 2 वाटर एयरड्रोम्स, ठीक है। तो इसने बहुत सारे जो है ऐसे एयरपोर्ट जो पहले काम नहीं कर रहे थे, जो इतने फंक्शनल नहीं थे, उनको यूज़ करा है, 9 हेलीपोर्ट्स को भी यूज़ करा है, 2 वाटर एयरोड्रोम्स को भी इसने दोबारा फंक्शन में लिया। अब आपको गिवन है, फॉर मोर डिटेल फीचर एंड इन्फॉर्मेशन ऑन एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रेफर टू चैप्टर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो उसमें पढ़ा चुकी हूँ एयर ट्रांसपोर्ट पूरा। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी आपकी बुक का। ओके।